छोड़ने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार और केसीआर एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन 2024 के लिए जब चेहरे की बात आई तो केसीआर ने चुप्पी साध ली, यानी नीतीश को थोड़ा धक्का जरूर लगा है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कह रही है कि राजनीति अगर इतनी गंदी हो गई है तो मुझे इस बात का पता होता तो मैं कभी राजनीति में एंट्री नहीं करती। आज इसी पर आपको समझाएंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, अभिषेक बनर्जी के ऊपर क्या गाज हो रही है, पार्श्व चर्चा के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर शो और मैं हूँ आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा दिए हैं। खास बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मंगलवार को अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया। उन्होंने कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सीएम बनर्जी ने एजेंसियों की तरफ से मिल रहे समन को खुली हिंसा बताया है। हाल ही में उन्होंने 2024 चुनाव को अपनी आखिरी जंग बताया था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने कहा कि एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है या खुली हिंसा है। अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में आती ही नहीं। उन्होंने दोबारा आरोप लगाया कि पशु और कोयला तस्करी के मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आप हर समय सभी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जिस तरह आप मीडिया में हमें बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं और सूत्रों का हवाला देते हैं, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा किया जाए तो क्या होगा। इधर टीएमसी के नेताओं का कहना है कि ईडी और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी सीबीआई पार्टी कार्यकर्ताओं के आसपास उनके खिलाफ काम कर रही है। काली घाटी का मुद्दा भी जोरों शोरों से आने लगा, ये भी जान लीजिए कि क्या है। काली घाटी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पशु तस्करी और कोयला घोटालों से मिला पैसा कोलकाता के काली घाटी जाता है। खास बात यह है कि यहाँ ममता बनर्जी रहती हैं और जगह काली मंदिर के लिए मशहूर है। इस पर टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि आप आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई काली घाटी पहुंच रही है, तो मैं पूछती हूं कि काली घाटी में किसके पास, क्या मां काली, क्या आप कोई नाम बता सकते हैं। वाम दलों और कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सेटिंग है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं सेटिंग की राजनीति में शामिल नहीं हूं, मैं इसमें अच्छी कभी नहीं थी, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सेटिंग करने में अच्छी होती तो अपने पूरे शरीर पर चोट के निशान लेकर मैं वाम राजनीति में चीजें मिलने वाले हिस्से में नहीं होती। कांग्रेस नेताओं की तरह नहीं जिन्होंने खुद को बेच लिया है।